तबीयत खराब था। किसकी तबीयत खराब थी? शंकर नाम था, क्या हुआ है? अबे बीमार है, बड़े दिन तो गया, गिर गया चक्कर खा के। कंपनी से आए, कहीं गिर गए। पता नहीं कहाँ गिरे थे। तुरंत लिया था जब गिरे थे। हाँ। यहाँ पर क्या बता रहे हो? पता नहीं, मैं तो अंदर गई। उनका नाम क्या था? शंकर। शंकर, आपका नाम क्या है? पता नहीं, इनको बता रहे हैं, आ रहे हैं पिछले नाम से। ना ये हमारी बहन की बेटी है, बहन दामाद है। सर, मैं यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में बताना चाहूँगा कि हमारा एक पेशेंट ऊपर लेबर रूम में एक डिलीवरी हुई है एक लेडीज की घर में से, तो मैं पिछले 3 दिनों से हॉस्पिटल में हूँ। यहाँ की जो वॉशरूम की व्यवस्था है, गंदगी की व्यवस्था है, वो बहुत ज़्यादा बेकार है। गंदगी बहुत ज़्यादा है, वॉशरूम बहुत ज़्यादा गंदे हैं, पानी की व्यवस्था नहीं है। और आपके पेशेंट को है जो है कैसे अटेंड किया जा रहा है? पेशेंट को अच्छा अटेंड किया जा रहा है। शुरुआत में बेड की व्यवस्था नहीं हो पाई थी, लेकिन बाद में एक दिन बाद हो गया था। इलाज अच्छा चल रहा है, लेकिन वॉशरूम में बिल्कुल सही व्यवस्था, सफाई व्यवस्था खराब है। सफाई व्यवस्था बहुत ज़्यादा खराब है। शहर का सबसे बड़ा अस्पताल है, ऐसे में यहाँ पर सैकड़ों लोगों का आना जाना रहता है। क्या कहेंगे सरकार, क्या कर रही है? जो पीएमओ सीएमओ यहाँ पर लगाए हुए हैं वो क्या कर रहे हैं? व्यवस्था नहीं है यहाँ के पीएमओ सीएमओ को, सभी को और अधिकारियों को सोचना चाहिए कि यहाँ पे डेली पे हजारों लोगों का आना जाना है अपने स्वास्थ्य की जांच कराने के लिए या दवाइयों को लेने के लिए। लोगों को यहाँ अच्छी सुविधा देनी चाहिए और जो यहाँ साफ सफाई है वो रखनी चाहिए, वॉशरूम की बढ़िया व्यवस्था करनी चाहिए, ठंडा पानी का इंतजाम करना चाहिए और इतनी यहाँ गर्मी पड़ रही है, लोगों की बैठने की व्यवस्था अच्छी करनी चाहिए। ये है कि मतलब जो है ये मक्खी पे लग रही है, हमारा जी और ऊपर को आ रहा है, बहुत सा लगा है नहीं कुछ लगा बाइक। अभी दो मिनट पहले जरा एक सर आ रहे थे वहाँ से, तो मेरे पिताजी गेट से अंदर आ रहे थे, तो मेरे पिताजी ने उनसे बोला सर जरा नीचे जाके देखिए सर ये क्या क्या पड़ा हुआ है। तो उनकी एक लैंग्वेज थी, उनकी लैंग्वेज क्या थी? जैसा भगवान सर माथे ये जो चल रहा है वो चल रहा है, यानी हरियाणा भगवान भरोसे ही हॉस्पिटल चल रहा है। हरियाणा सरकार बेवकूफ है, जो हरियाणा सरकार बी के बादशाह खान जो होगी एक सरकारी हॉस्पिटल है, इसके लिए कोई वो नहीं रखती यानी कि सरकार। देखा जा रहा है एक एक बेड पे दो दो पेशेंट रखे हुए हैं, बच्चे भी हैं, उनको दो दो रखा हुआ है। बिल्कुल, मैंने सर अभी रिक्वेस्ट करा सिस्टर मुझे टॉयलेट जाना है, मैं सुबह 7 o'clock से लेके अभी तक जाते हैं 1 o'clock या 11:30 कुछ ऐसा टाइमिंग हो रहा होगा, मैं टाइमिंग देखा नहीं अभी। मैं टॉयलेट करने गया, मैं अपने सिस्टर से बोलता हूँ माइक को ऑफ करके जरा आप एक बार सिस्टर टॉयलेट करके आ जाओ, आपको खुद पता लग जाएगा आपको भी क्या फैसिलिटी है। व्यवस्थाएं नहीं है, देख लो सर जाके अंदर आपको महसूस हो जाएगा। तो आपको किस वजह से लेकर आया गया था यहाँ पर? सर मेरे को सर एमरजेंसी में आया था सर सुबह, कि मेरे को ब्लड की थोड़ी दिक्कत सी आ रही थी सर, थोड़ी सी सांस फूल रहा था मेरा। क्या नाम है? मेरा पूनम। क्या हुआ बच्चे को? लेटरिंग है चालू। गर्मी के कारण? गर्मी है वजह से। आपके बच्चे का इलाज कैसा चल रहा है? दांत आ रहा है। इलाज कैसा चल रहा है? इलाज तो उतना नहीं, अभी तो ऐबे किया हूँ, लेकिन 8 दिन सुनवाई तो नहीं दे रहा था। नहीं, मैं आके चल जाते थे, डॉक्टर आते चेक करते कब, उतना तो नहीं आ रहे हैं डॉक्टर अभी। अच्छा, एक बेड पे 2 जनों को लिटाया हुआ है, एक बेड पे दो बच्चे, हाँ 2 बच्चों को लिटाया हुआ है, क्या कहेंगे? अभी आए नहीं बताना आपको, थोड़ा सा बता देते ना। क्या नाम है आपका? उल्टी दस्त हो रहा, गर्मी के कारण हुआ था? सही चल रहा। अच्छा, एक बेड पे 2 बच्चे लटाए हुए हैं? नहीं, ये तो अब आई हैं, अभी आई हैं, लेकिन फिर भी एक रेस्ट चाहिए होता है शरीर। नहीं तो जी, फिलहाल में जैसे सब भरे पड़े हैं तो थोड़ी सी एडजस्ट तो करनी पड़ती है इसकी वजह से। सर, एक मामला आया जी, किस सेक्टर से किसी युवक की डेड बॉडी आई है, क्या कारण है उसका? आज सेक्टर 21 से ही नहीं, आज अलग अलग इलाकों से डेड बॉडीज आ रही हैं और पुलिस लेके आ रही है, कभी कोई अटेंडेंट लेके आ रहा है, कोई आदमी काम करते हुए कोलैप्स हो रहा है, कोई
तो सवेरे से कम 5 से 6 डेड बॉडीज आ चुकी हैं 15 से 20 मिनट के अंतराल में, गर्मी के कारण ही। और कारण गर्मी ही लग रहा है। विगत एक या दो हफ्तों से तो मतलब ये चलन है ही, पर आज कुछ ज्यादा देख रहे हैं। मतलब डेड बॉडी लगभग 5 आई है। और मरीज जो आते हैं कितने मरीज लगभग होंगे यहाँ पर? मरीज भी ऐसे ही है, मतलब 5 से 10 मिनट के अंतराल के अंदर उल्टी दस्त की शिकायत लेकर के आ रहे हैं। चक्कर की पानी की तो कमी नहीं है, जो चढ़ाने के लिए आईवी फ्लूइड्स हैं उसकी तो कमी नहीं है, वो ही एक जीवन रक्षक घोल की तरह काम कर रहे हैं। सर एक और चीज है, जैसे अभी हमने भी देखा कि एक एक बेड पे दो दो जो है, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, जनसंख्या ही हमारी इतनी ज्यादा है और सब मतलब सिस्टर्स वगैरह सब लगे हुए हैं स्टाफ। हालांकि वो सेटिस्फाइड है, मतलब ये देखिए ना कि इतने सारे रूट मोशन वाले आने के बाद किसी एक की डेथ नहीं हुई, कितने कोलैप्स कितने ये थे। क्या कहना चाहेंगे जो लोग हीट वेव से या से बचाव हो? पानी उबाल करके ठंडा करके पिए।